हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 76 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के साथ जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 31 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का कार्य नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का कार्य नहीं करता। ऑप्शन एक है दबाव समूह जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन है। ऑप्शन बी है दबाव समूह शासन के लिए सूचना एकत्र करने वाले साधन है, संगठन है या साधन है। तीन ऑप्शन है दबाव समूह सरकारी निरंकुशता को सीमित रखते हैं या सीमित करते हैं। ऑप्शन फोर है दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आंसर आपका जो 31 का है दोस्तों, वो फोर सही हो जाएगा। 31 का फोर ऑप्शन सही हो जाएगा कि दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं, यही गलत है। कौन सा कार्य गलत है ये बताना है, तो ऑप्शन फोर हो जाएगा। बाकी के सब सही ऑप्शन है। व्याख्या देख लीजिए, दबाव समूह शब्द का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है, जो सरकारी निरंकुशता को कम करते हैं। यह समूह जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति का साधन है, जो शासन के लिए सूचना एकत्र करता है। अतः विकल्प जो फोर सही होगा। आगे देखिए, मार्टन कापलान ने अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के निम्न में से किस प्रतिमान की कल्पना नहीं की है। किस प्रतिमान की कल्पना नहीं की है ये बताना है। ऑप्शन एक है शक्ति संतुलन की व्यवस्था का। ऑप्शन दो है उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल का। ऑप्शन सी है या तीन है शिथिल दी ध्रुवी व्यवस्था का। ऑप्शन फोर है दृढ़ दी ध्रुवी व्यवस्था का। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 32 का, वह टू हो जाएगा, उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल का। मार्टन कापलान ने अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था के निम्नलिखित में से किस प्रतिपादन की कल्पना नहीं की है। तो आंसर हो जाएगा उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल की दो। आगे देखिए, मार्टन कापलान एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीतिक दर्शन शोधकर्ता हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की 6 मॉडल की चर्चा की है। उन्होंने शक्ति संतुलन की व्यवस्था, शिथिल द्विध्रुवी व्यवस्था तथा दृढ़ द्विध्रुवी व्यवस्था की परिकल्पना की थी। आगे देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन, लोकायुक्त पद की स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 1971 में कहाँ हुई थी। लोकायुक्त की स्थापना, जो लोकायुक्त पद है उसकी स्थापना वर्ष 1971 में सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों दो सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में। व्याख्या देखते हैं, प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक शासन में भ्रष्टाचार और भाई भातीजावाद से निपटने के लिए लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 को पारित किया गया। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन वर्ष 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। आगे देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन, किसने कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है। किसे कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है। लेखा अनुदान को, प्रत्यानुदान को, अतिरेक अनुदान को, अनुपूरक अनुदान को। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा दो हो जाएगा, प्रत्यानुदान को। प्रत्यानुदान को कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन दो सही हो जाएगा 34 का। व्याख्या देख लेते हैं, जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की तुरंत आवश्यकता होती है तो इस प्रकार की अनुदान मांग रखी जाती है। तो इस प्रकार की अनुदान मांग रखी जाती है।
प्रत्यानुदान को लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया कोरा चेक या ब्लैंक चेक कहते हैं। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है। संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, किंतु यह संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक वाद में कहा था, यह कथन किस ऐतिहासिक वाद में कहा था, तो इसका तो आंसर सभी लोग को मालूम हो जाएगा, एक है केशवानंद भारतीवाद में। आंसर क्या हो जाएगा, एक केशवानंद भारतीवाद में। व्याख्या देखते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में 13 जजों की बेंच ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, किंतु यह संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है। मंत्रिमंडली उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है, यह कथन है किसका है। ऑप्शन एक है रेमजे मेयर का, ऑप्शन दो है हरमन फाइनर का, ऑप्शन थ्री है मैक्स वेबर का, ऑप्शन फोर है लास्की का। तो आंसर हो जाएगा ए रेमजे मेयर का, रेमजे मेयर का यह कथन है। व्याख्या देख लेते हैं, मंत्रिमंडली उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है, यह कथन रमसे मेयर का है। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, गुट तंत्र के लौ नियम का प्रतिपादन किसने किया। गुट तंत्र के लौ नियम का प्रतिपादन किसने किया, एक है रॉबर्ट मिचेल्स ने, दो है मैक्स वेबर ने, तीन है पेरोटो ने, फोर है मोस्को ने। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 37 का, वह आपका पहला नंबर सही हो जाएगा, रॉबर्ट मिचेल्स ने। व्याख्या देख लेते हैं, रॉबर्ट मिचेल्स ने गुट तंत्र का लॉ नियम प्रतिपादन किया है। रॉबर्ट मिचेल्स ने गुट तंत्र का लॉ नियम प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार सरकार अल्पमत का संगठन है जो बहुमत के शासन के लिए है, अर्थात सक्रिय अल्पमत निष्क्रिय बहुमत पर शासन करती है। सक्रिय अल्पमत निष्क्रिय बहुमत पर शासन करती है। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, यदि राजा संपत्तिवान अथवा समृद्धिशाली है, यदि राजा संपत्तिवान अथवा समृद्धिशाली है तो वह अपनी प्राप्ति को समृद्धि प्रदान करता है। प्राप्तियों को वही गौरव प्राप्त हो जाता है जो राजा को है, अतः राज्य सुस्थिर एवं अक्षम शक्ति का स्रोत है, यह किसका कथन है। तो ये दोस्तों किसका कथन है बताना है, ऑप्शन एक है मनु का, ऑप्शन दो है कौटिल्य का, ऑप्शन थ्री है कामंद का, ऑप्शन फोर है शुक्र का। तो आंसर जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, कौटिल्य का, यह कथन किसका है, कौटिल्य का। व्याख्या देखते हैं, कौटिल्य या चाणक्य ने कहा है कि राज्य संपत्तिवान है अथवा समृद्धिशाली है, वह अपनी प्राप्ति को समृद्धि प्रदान करता है, प्राप्ति को वही गौरव प्राप्त है जो राजा को है, अतः राज्य सुस्थिर एवं अक्षम शक्तियों का स्रोत है। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, अगस्त सन 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने किस दल की स्थापना की थी। तो किसकी स्थापना की थी 1936 में, तो फ्रेंड्स तो आंसर हो जाएगा पहला नंबर स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की थी 39 का पहला नंबर आंसर। व्याख्या देख लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने श्रमिक मजदूर वर्ग के उत्थान और अधिकारों के लिए वर्ष 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की। इसका चुनाव चिन्ह आदमी था। इस पार्टी का घोषणा पत्र मजदूरों, किसानों, अनुसूचित जनजातियों और मध्यम वर्ग के अधिकारों की हिमायती के लिए करने वाला था।
आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, सामूहिक सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो पहला सही हो जाएगा। ये वाला पहला आंसर जो है गलत है ऑप्शन, किसी एक राज्य पर किसी किया गया आक्रमण सभी राज्य पर आक्रमण नहीं माना जाता है, ये गलत है। व्याख्या देख लेते हैं, सामूहिक सुरक्षा से आशय ऐसी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था से है जिसका प्रत्येक घटक राज्य यह स्वीकार करता है कि किसी राज्य की सुरक्षा सभी की चिंता का विषय है। किसी एक राज्य पर किया गया आक्रमण सभी राज्यों पर आक्रमण माना जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, ये वीडियो थोड़ा अच्छी नहीं बनी होगी तो फ्रेंड्स इसके लिए सॉरी, और आगे प्रयास करेंगे कि अच्छा बनाएं। तो सभी लोग वीडियो पे बने रहिए, धन्यवाद।